अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अवधेश आइए मिनिस्टर साहब। नमस्कार देव साहब। नमस्कार। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी। प्रणाम। प्रणाम भाई। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए देख लो, कल तक दुत्कारने वाले लोग आज बधाई देने वालों की भीड़ में शामिल है। नमस्कार। भानु चंदेल भवन का मान और वक्त फिर से लौट आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। वनवास खत्म हुआ भानु जी, बहुत बहुत मुबारक हो। 3 साल का वनवास था। श्राप तो कट गया है, पर इन नपुंसक समाज के लोगों को इस खबर का तमाचा उनके गाल पर अभी तक पड़ा नहीं है। नमस्कार। ये जो मैं देख रहा हूं वो सच है या नजर का धोखा? आपने तो असंभव को संभव कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया बुद्धिजीवी पत्रकार मिस्टर शेखर सिन्हा। धमाके का अंदेशा है? धमाका नहीं, बिगुल बजेगा। हमारी जीत का बिगुल। अवधेश। इन जनाब को इनकी जगह दिखा दो। आई मीन प्रेस गैलरी। आइए, तेवर जाएंगे नहीं इन पत्रकारों के। अरे इसको क्यों बुलाया है आपने? 3 साल से जिन लोगों ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है उनको भी तो पढ़ना चाहिए ना कुछ। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हम है ना। चलो जश्न को एंजॉय करो, जाओ। जी। मांगे लोग, मांगी गाड़ियां, मांगा कपड़ा लत्ता, सब कुछ ही चकाचक। मुंह दिखाई भी खूब मिलेगा, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है हमको। भाभी आज आप ही का ही दिन है, चमक धमक मुंह दिखाई सब आपकी। और आज आप इस जलसे में शो स्टॉपर होंगी। क्या बोली? सो स्टॉप माने वही जिसे देखकर लोगों की नजरें और धड़कन दोनों रुक जाए। जाओ, हमें स्वागत के लिए तैयारियां करो, जाओ। जी भाभी। क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है बाजी? अरे नई बहू का बहु भोज है, सारे इलाके को न्योता है। एक बात का ध्यान रहे, इस गांव से निकलने के बाद ये मुनिया टोला, मुनिया दान, ये मैका नैहर सब भूल जाना। बड़का बाबू तो बाबा को देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। 50 करोड़ का हवेली का मालिक कोड़ियों के दाम में तुमको फुसला गया चंदनवा। प्रणाम। आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम। आओ बेटा, आओ आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप विदा हुए, हमको बेटियों का याद सताने लगा, इसलिए चला आया हूँ। हमको देखकर आप खुश नजर आ रहे हैं, है ना बड़का बाबू? यहाँ नहीं आने के संबंध में हमने तुमसे कहा था ना? जोर कह के तो आप बहुत कुछ गए थे, पर बहुत कुछ बताना भूल गए, छुपा गए। उसका ही वसूली करने आए हैं, अपना औकात का बुनियादान पूरा कर दीजिए। अधूरा रकम का चूना लगा के आए हैं ना आप, दे दीजिए प्लीज। अवधेश। अरे बिटवा, नाश्ता पानी से शुरू हो जाए तो अच्छा रहेगा। सर
आदमी को शहर के बाहर ऐसी जगह फेंक के आओ जहाँ से ये अपने घर का भी रास्ता भूल जाए। बड़का बाबू, गलत बात। आखिर हम आपके समधी हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे अरे हुजूर, अरे चलिए चलिए। अरे अरे हंसनी बिटिया। नहीं नहीं, हम बापू को पहचान नहीं सकते। अरे हंसनी, देखो देखो तुमने बापू के साथ क्या हो रहा है। अरे छोड़ो, चलिए 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 आइए। अरे छोड़ो। आपका अपना है? अटपटी मोटरसाइकिल। गलती हो गया। और हाँ, ये हमारी 18वां जन्मदिन था हमारा। बाबा हमको तोहफे में दिए थे ये मोटरसाइकिल। उसके बाद तो फिर दिन हो या आधी रात निकल पड़ते थे दोस्तों के साथ, खूब घूमते थे इस मोटरसाइकिल पर। तब तो हम इसको रोज अपना हाथ से ही साफ करेंगे। हमारे इस मोटरसाइकिल को ना इस पूरा घर में किसी को इजाजत नहीं हाथ लगाने को, समझी? और तुम क्या करी हो यहाँ? हम आपके लिए एक कुर्ता पजामा लाए थे, आप इसको पहन के तैयार हो जाइए। जलसा में सब आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। लीजिए। अच्छा हाँ। अरे ये तुम हमको पहले क्यों नहीं बताई? लाओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं राजा बाबू? से समझ रहे हैं कि तुम क्या करने का कोशिश कर रही हो। लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। अरे हमारा इंतजार ना कोई नहीं करता, जानती हो क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हम जलसे में नहीं जाते। नहीं जाएंगे वो किसी भी पार्टी, स्पेशली जब वहाँ बहुत लोग। लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से तुम्हारे पैरों पे गिर जाए जैसे पहले भी गिरे थे, फिर से सबके सामने हमारा बेइज्जती हो, यही चाहती हो ना तुम? नहीं चाहते हम ऐसा, और हम आपको गिरने नहीं देंगे। हम आपका सहारा सहारा नहीं चाहिए ना हमको तुम्हारा। दिमाग में क्या भूसा भरी हो तुम? कितनी बार बोलेंगे हम तुमको, देखो हमारे घर में, कमरे में, परिवार में, जहां आसन जमा के बैठना है बैठ जाओ, लेकिन हमारा जिंदगी में ना आने का कोशिश भी मत करना। वहां जगह नहीं है तुम्हारे लिए, समझी? अब जाओ यहां से। एक बार में समझ में नहीं आता ना क्या बोले हम? चलो जाओ।
अरे छोड़ो हमको, थक गए तुमको बार बार समझा समझा के। देखो हाथ जोड़ते हम तुम्हारा, मत करो परेशान हमें, छोड़ दो हमें हमारे हाल पर प्लीज, जाओ यहां से। सालों साल पैसा जोड़ जोड़ के बनाए हम तुम्हारे लिए। इस आदमी को शहर के बाहर ऐसी जगह फेंक के आओ जहां से ये अपने घर का भी रास्ता भूल जाए। ये धक्का तुम हमको नहीं दिए हो देव नारायण, ये धक्का तुम अपना तकदीर को दिए हो। अब देखना ये मुनिया टोला का चंदन दास कीचड़ में खींच के तुमको कैसे घसीटता है, देखना। मेरी इस जीत के जश्न में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मुजफ्फरपुर के समाज ही नहीं बल्कि आज के इस जश्न में भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जिन्होंने एक अनर्गल श्राप का आरोप और लांछन मुझ पर और मेरे सम्मानित चंदेल खानदान पर लगाया था। उस झूठ का सच्चा जवाब आज है मेरे पास, उस झूठ का साक्षात उत्तर आप सबके सामने है। भैया हमको थोड़ा वहां तक छोड़ दो भैया। चंदेल खानदान की बहू श्रीमती हंसनी संजीव चंदेल, अफसरा किस इंद्रलोक से उठा लाया ये देवनारायण। क्या कहा था उसने कि चंदेल भवन की चौखट पर कदम रखने वाली बहू जीवित नहीं बचेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। यह चंदेल खानदान की बहू उस श्राप का करारा जवाब विधिवत ब्याह के लाए हैं हम। इनके परिचय के तौर पर हम आपको इतना ही बताएंगे कि ये पूर्णिया की 2000 एकड़ जमीन के मालिक जमींदार पुरुषोत्तम राय की इकलौती बेटी हंसनी है। ये बाबा झूठ काहे बोलने लगे हमारे बारे में। राय साहब किसी कारण से आज के जलसे में शरीक नहीं हो पाए, फिर कभी जब आएंगे तो हम आपसे उनको मुखातिब करवाएंगे। तो हमारी बहू एम ए इन इंग्लिश है फ्रॉम यूएसए। नारायण वाह, अरे इंग्लिश का ई नहीं आता इस लड़की को।
जमींदार हम ही है वो जमींदार पुरुषोत्तम राय, 2000 एकड़ का मालिक, 2 बीघा जमीन है बाप के पास, थी वो भी गिरवी है। कतना झूठ बोलेंगे बड़का बाबू, है कतना झूठ बोलेंगे बताइए ना सबको। मुनिया टोला से लाए हैं बहू, मुनिया दान देके। बताइए ना ये मुनिया दान क्या होता है? रकम होती है साहेब, पैसवा। हमरे उधर मुनिया टोला में मुनिया दान देके मिलता है बहू। ये बड़का बाबू 15 लाख मुनिया दान देके लाए हैं हमरी बिटिया को। मुनिया दान 15 लाख, हमारा बेटा संजीव और तुम्हारी हंसिनी। हजूर कोनो जमींदार की बेटी नहीं है, न कोनो एमए इंग्लिश है, ये तो मुनिया टोला के इस चंदनदास की बेटी है, जिसको सस्ते में बहू बनाकर लाए हैं ये बड़का बाबू देवनारायण चंदेल। ने सस्ते में माने? मुनिया दान दे के लाए हैं देवनारायण बहू को। मुनिया दान मतलब एक रकम होता है। वाह रे वाह देवनारायण, श्राप से बचने के लिए अब सौदेबाजी। ये लड़की हंसनी आपकी बेटी है? जी सर। इस खानदान पर श्राप है, पता था आपको? श्राप? अरे हजूर शुरू से ही फैमिली हमको ठग रहा है हजूर, कोनो श्राप बाप के बारे में नहीं बताया हमको, ऊपर से मुनियादान का रकम में भी बांजी मार गए, माने चूना लगा गए हमको इस गरीब आदमी को। मुनिया दान देकर बहू लाए हो, उसी के आधार पर चल रहा था क्या? अच्छा धूल झोंक रहे हैं समाज के नजरों में जज भाई साहब। ये लड़की न जाने कहां से किस बिरादरी से मुनिदान सुनिदान करके पता नहीं क्या करके लाए हैं। देव साहब बताइए ना इन लोगों को कि क्या सच है और क्या झूठ। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं एंड आई एम श्योर समाज की इन सभी अटकलों और आरोपों का जवाब है आपके पास। किसी बदनीयती से तो ये सारा इंतजाम नहीं किया होगा आपने, दे डालिए जवाब इन लोगों को सर। जो आप इतने बड़े और गणमान्य व्यक्ति पे आरोप और लांछन लगा रहे हैं, किसी रंजिश और नफरत में आके तो नहीं लगा रहे? हम जो कह रहे हैं टोला आने सच है। कहां से आए हैं आप? मुनिया टोला, जिला नौबतपुर। बताइए एक इंसान 300 किलोमीटर रास्ता तय करके यहाँ आया है अपनी बात कहने, कोई मजाक करने के लिए नहीं? अगर सच है सब तो चिंता किस बात की? वाह मिस्टर शेखर, आप दलील भी देते हैं और फैसला भी सुनाते हैं, ये पत्रकारिता छोड़ के वकील कब से हो गया? थोड़ा धैर्य रखिए। देव साहब और उनके परिवार को उनकी बात रखने का मौका दीजिए। कौन है आप? कौन है? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, जिंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देख रहे हैं। आप कहा कह रहे हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब आप लोग खुद ही हिसाब लगाइए, चंदेल घराना इस आदमी की बेटी को अपनी बहू बनाएगा? हम तो पूर्णिया के जमींदार पुरुषोत्तम राय की बेटी हैं। अब दादी तो बराबर के लोगों में होता है ना,
ये आदमी लगते हैं हमारे पिता, ना रंग मिलता है ना नैन नक्स, भिखारी जैसे दिखने वाला इंसान। किस नजर से आपको हमारा बाप लग रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये ड्रामा कर रहे हैं, कोई चाल है कोई साजिश है। आजकल लोग दो चार पैसा कमाने के लिए काका करते हैं, बताइए। पुलिस में भेज दीजिए, हथकड़ी लगाइए इनका, धोखेबाजी कर रहे हैं। हंसिनी तुम ये सब क्या? ये देख, सालों साल पैसा जोड़ जोड़ के बनाए हम तुम्हारे लिए। बचाओ, 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 बचाओ। बाबू, बाबू का आवाज है, ठीक कह रहे। अरे बचाओ, 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 बचाओ। तुम इसके आगे नहीं जा सकती को। हुकुम ने तुम्हें बाहर जाने से मना किया है। हमको जाने दीजिए। अपने कमरे में लौट जाओ। बचाओ, 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 बचाओ। हमारे बाबू चिल्ला रहे हैं। हुकुम का आदेश है, लौट जाओ। जाओ को। छोड़ो हमारे बाबू को, छोड़ो, ए छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो हमारे बाबू को, छोड़ो, छोड़ो, बाबू चोट लगी, पटो, खून, बाबू, दर्द हो रहा है। बाबू दर्द तो नहीं हो रहा ना? चलो दीदी, हम तुमको आलता लगा देते हैं। बर्बाद हो गया रे, बर्बाद हो गए। आग लगा आई हम सबकी तकदीर को, नाश कर आई बहन की जिंदगी को। अपना औकात भूल गई, दिखा आई अपना मनहूस शक्ल उनको। ये हमारी बेटी है, हमारा दूसरा बेटी, बड़का बाबू एक नहीं दो को बेटियों को मुनिया दान दे के लाए हैं। ये हमारी बेटी है, अरे ये आदमी क्या बोल रहा है? मुनिया दान दे के लाए थे देवनारायण दो दो लड़कियां, मतलब ये आदमी इस लड़की का बाप है। देव नारायण चंदे, क्या तमाशा है? जमींदार एमए इन इंग्लिश, क्या कह रहा है ये आदमी? मुनिया दान देकर लाए हैं आप बहू, और वो भी एक नहीं दो दो। अगर ये संजीव की बीवी है तो ये राजीव की बीवी हुई ना? देख रहे हैं आप लोग देव नारायण चंदेल का सच। अगर मुनिया दान देकर ही लाना था तो इसको, और वो भी बड़े बेटे के लिए। पैसों की कमी पड़ गई शायद, एक परी और दूसरी दासी। अब
इससे चलेगा चंदेल खानदान का वंश। हम ले ले। सबको प्रणाम। चलाना नहीं आ रहा हमको, लेकिन कोशिश। वैसे ये भोपू के बगैर भी हम बोल सकते हैं। अरे हमारे गांव में ना एक हाक से ना ये फुलिया बबनी मिश्री ना सब गाय घर लौट आती थी। एक बार फिर से सबको प्रणाम। हमको गांव मुनिया टोला, डाकघर सिमरतला जिला, नौबतपुर बिहार। पहले ना हम किसके का लगते हैं का नहीं लगते हैं ना उसको ना छोड़ दीजिए। पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए। देख लिए ना, देख लिए ना बढ़िया से। बताइए हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं? अरे ऐसी हो सकती है क्या चंदेल खानदान की बहू? नहीं ना, हम है ये नहीं इस परिवार की बहू। तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है? हम कब ऐसा बोले कि हमारे बाबू झूठ बोले हैं? आप हमारे बाबू का बात ठीक से सुने नहीं। हमारे बाबू बोले कि हमारी दो बिटिया उसको बड़का बाबू हिया लेके आए, एगो को बहू बना के एगो हम माने कुहू को दासी बना के। और रही बात मुनियादान की तो ये बात सच सच एक दिन चालू हो गया। हाँ तो रही बात मुनियादान की तो हमारी जो हंसनी दीदी है उसको बड़का बाबू हमारे बाबू को मुनियादान दे के लेके आए। मतलब हमारी हंसनी दीदी के लिए बड़का बाबू ने मुनियादान दिया, ये बात सच है। क्या बकरी है ये लड़की? पर शादी ब्याह में खर्चा तो होता है ना? हाँ कपड़ा लत्ता बैंड बाजा अल्ला फल्ला हाँ होता है ना, तो वही खर्चा ना, वही खर्चा था शादी का खर्चा। ए लड़की पहलियां मत पूछा, ये केवल सौदा है। अगर सौदा नहीं होता तो तुम्हारा बाप भरी सभा में पैसे क्यों मांग रहा था और चंदेल खानदान पर तोहमत लगा रहा था? इसी को कहते हैं सच्चा संबंध। है सच्चाई है, सच्चाई ई है क्योंकि पगला था इसका बाप। पगला गए थे हम, माथा खराब हो गया था हमारा। ये हवेली ठाट बाट देखकर अपना बुद्धि बिला गया था। गांव में थे तो नहीं बुझाते थे। बेटियां विदा हुई उनकी माई और हम बेचैन हो गए। यहां आकर इसको देखा तो सच्चा धन दिखा हमको। हमी संपत्ति तो हमी बेटी है, अनमोल हीरा हमेशा थी, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। पैसों के लालच में हम यहां चले आए, असली धन और सच्चा रिश्ता पा गए हम। बड़का बाबू हमको आपसे कुछ होने चाहिए, हम आपके जलसा में विघ्न डाल दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम माफ कर दो इस अभागा बाप को, असली संपत्ति को हमने आज पहचाना है। बाजी मार ली लड़की ने और साहेब खड़े खड़े देखते रह गए। बाबू
रुक जाओ। नजर मिलाने का हिम्मत नहीं ना है अब हमें। करता हूँ रे बाबू, हमसे नजर मिला। जाते जाते हमको माफी दे दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं बाबू, हाथ जोड़ के बेटी पे पाप मत चढ़ाओ। अंधे थे मेरा असली चेहरा नहीं देख पाए, मेरा मन की सुंदरता को नहीं पहचान पाए। अंधे थे वो। आका नहीं कहा तुमको, कितना जलील किया अपनी कू को, अपनी संतान को। नहीं बाबू मत रो, बाबू मत रो, तुम रोते में एकदम ठीक नहीं लगते, रोने में तो माय जबरदस्त। तुम बरसते बरसते हो ना तो ऐसी लगते तुम ही हो हमारे। अरे ये बताओ हमको माफ कर दी ना, माफ कर दी ना। बच्चा माँ बाप को थोड़ी माफ करता है, प्यार करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। अच्छा ये बताओ तुम जो आए कुछ खाए पिए? कितना दूर से चले आए, रास्ते में खाए कि नहीं? वो सब तो हम चलते हैं, तुम्हारी माई। माई कैसी है बाबू, इलाज हुआ? तुम्हारे बाबू का इलाज तो आपने ठीक हो गया, अब वही का इलाज होगा, सब होगा। वो उसकी इज्जत होगी, प्यार से बोली होगी, तब होगा। अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज कराना माई। बस क्लास अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज करेगी तुम्हारी माई का। बाबू माई को बोलना हम माई को नहीं याद करते। क्या बोली? माई को याद करते हैं ना तो मन व्याकुल हो जाता, आंसू आता है तो रुकता है नहीं, और मन करता है यहाँ से भाग जाए। पर माई को वचन दिए ससुराल में जिम्मेदारी निभाएंगे, सबका मन बोलेंगे, इसीलिए माई का याद आता है तो दिल में पत्थर रख लेते हैं। बबलू भैया कैसे हैं बाबू? वो हम बहनों को याद करते हैं कि अपना फैक्ट्री या दुकान में के चक्कर में भूल गए। कोई भूल सकता है क्या? तुमको कोई भूल सकता है? जब तू थी ना तुमको पहचाना ही नहीं अपने, तू गई ना उस घर की आत्मा ही लुप्त हो गई। वो तो हमारा नसीब अच्छा था, अंशनी का वीडियो बबलू वाले देगा, फिर हम देखें। माई वीडियो में खोज रही थी, ए बबलू अपनी कू कहाँ है, अपनी कू कहाँ है, लेकिन तू नहीं दिखी, बहुत बेचैन हो गई तुम्हारी माई। तुम लोग मुजफ्फरपुर में हो, वो वीडियो देख के ना मालूम पड़ा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ता तुम लोग कहाँ हो? ये लोग तो कुछ बताए भी नहीं हमको। वो तो ले जाओ हमारा माई के लिए। कैसे? अपना फोन दो, फोन दो। बाबू थोड़ा स्माइल करो ना, थोड़ा मुस्कुराओ। माई का इलाज जरूर शुरू करवा देना। वचन देते हैं बिटिया रानी, वचन देते हैं। Thank you.
क्या बोले बाबू? वचन देते हैं। उसके बाद क्या बोले बाबू? बुझ गए, आज तक केवल तुमको गालियां ही दी। अपनी बिटिया तुमको कभी नहीं ना बोले हम। हमारे भाग में नहीं था शायद। भागा तो हम तेरे। बेटी तो ईश्वर का साक्षात वरदान होता है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का रूप होता है। वो बाप अभागा है जो अपनी बेटी का अपमान करे। आज तो उस अपमान का नतीजा हमने देख लिया। देवी बनकर हमको बचाया बेटी के रूप में हमारी बिटिया ने। तुम बेटी नहीं बोले बाबू, लेकिन हम तो अपने आप को हमेशा अपने बाबू की बेटी मानते हैं ना। तुम्हारा कितना मगज खाए हो, जल देखो बाबू बाबू बाबू। अभी तो फिक्र मत कर, हम वचन देते हैं चंदन दास तुमको अच्छा सच्चा बाबू बन के दिखाएगा। तुम्हारी माई की इज्जत होगी। माई बाबू जो आदर नहीं दिए ना उसका इलाज भी होगा। हम वचन देते हैं तुझसे जीना सीख कर जा रहे हैं। अब देख तुम्हारे माई बाबू की जिंदगी बदल जाएगी। तुम देखना बस, तू खुश रहे, सदा सुहागन रहे। बाबू अपना ख्याल रखना और माई का भी, और बबलू भैया को बोलना बहुत याद करते हैं। बाबू जा रहे। रुको, अब फटेगा बम। देव नारायण चंदेल के मुंह पे काले कूट गई आज। देव नारायण चंदेल की इज्जत पर सरेआम सारे समाज ने थूक दिया आज। ये सब इस दो कौड़ी की लड़की के चलते। पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए, हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं? बहू तो मुनिया दान देके लाई ही हो, अब क्या मुंह दिखाई भी दिलवाइएगा? क्या हिदायत दी थी मैंने तुम्हें? क्या कहा था मैंने तुमसे? ससुराल पहुंचने के बाद ये मुनिया टोला मुनिया दान सौदे की शादी का जिक्र कभी किसी से नहीं करना, अपने आप से भी नहीं। बेपर्दा कर दिया हमारी इज्जत को, नंगा कर दिया चंदेल खानदान को सबके सामने। हरी सभा में उस दो कौड़ी के चंदन को अपना बापू बोलकर मिट्टी में मिला दी हमारी ताकत, हमारी औकात, हमारी परंपरा। ये हमारे बाबू हैं। चंदन दास को चंदेल भवन का पता किसने दिया? किसने दिया? चंदन दास का फोन नंबर तो केवल हमरे और कुहू के पास था, लेकिन बाबा हमको तो आपकी सारी हिदायतें पता है, याद है। मुनिया टोला से नाता रिश्ता खत्म, हम तो अपने माँ बाप सबको दिमाग से मिटा दिए, आउट। तुम लोग मुजफ्फरपुर में हो, हंसनी का वीडियो देख के ना मालूम पड़ा। तो चंदन दास को यहाँ की खबर तो केवल हम। फोन किए थे बाबू को, आई की बहुत याद आ रही थी,
लेकिन दीदी तुम बाबू को नाम से काहे बोल रही हो? बेशरम लड़की, तेरी ये मजाल कि हमारे मना करने के बावजूद तूने मुनिया टोला से संपर्क किया, बार बार हमारे कहने के बाद भी अपने अतीत से रिश्ता तोड़ा तूने, भरी सभा में भरी सभा में तमाशा भी तो इसी ने संभाला दे, इसी ने सुलझाया, बहू नहीं खुद को इसने अपने आप खुदा से बोला, मुनियादान को बहू का मान कहा इसने, क्यों नहीं समझ रहे हो देव? शातिर है ये लड़की, बहुत शातिर है ये लड़की, खुद ही तमाशा खड़ा किया और फिर खुद ही उसे सुलझाया, यानी कि हमारे ही मुंह पे हमें चिढ़ाकर हमारे ही मुंह पे थूक दिया इसने, जीत के जश्न में हमारी हार हो गई, शराब का जवाब देना था हमारी खिल्ली उठी, अवधेश को क्यों बुला रहे हो देव? हमारे आदेश का पालन जो नहीं करेगा वो इस घर में नहीं रह सकता, अवधेश जियो को इस बदतमीज अराजक और विद्रोही लड़के को धक्के मार के घर से बाहर निकालो, नहीं देव नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं नहीं देव नहीं, नहीं करेंगे बाबा, आप ये नहीं कर सकते, खबरदार जो अगर किसी ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की तो, अवधेश निकाल के बाहर करो इस लड़की को, जियो को रुको अवधेश, बाबा लगता आप भूल गए कि हमने शर्त रखी थी कि हम शादी तब करेंगे जब दादा की शादी होगी, और आप भाभी को आप हाँ निकाल गए, हवा हम ये सब नहीं होने देंगे, होनी थी हो गई, शर्त की मियाद पूरी हो गई, अब वही होगा जो हम चाहते हैं, देव तुम गलत कर रहे हो, सही गलत का फैसला अब हम करेंगे प्रभाती, हम अवधेश देख क्या रहे हो, आदेश का पालन करो हमारे बाहर को इसको बाहर, भैंस पानी में एक छत्र राज अब हमारा हवेली में, क्यों रे बड़की बहू, बोले थे ना हवेली से बाहर निकाल के रहेंगे, अब क्यों नहीं दिखा रही अपनी पतली पोस्ट? हंसनी तुम खड़ी क्या हो, तुम्हारी छोटी बहन को ओला घसीट के बाहर निकाल रहे, तुम कुछ करती क्यों नहीं, तुम जाके रोको ना, तुम कुछ बोलो ना, तुम्हारी बहन है ना वो, बाबा ने बोला ना ससुराल पहुंचते ही मुनिया टोला के सारे नाते रिश्ते भूल जाओ, हम भूल गए, कौन छुटकी कौन बहन हमको नहीं पता, हे पालनहार हे भोलेनाथ राजीव बाबू का ख्याल रखिएगा, यहाँ कहाँ से आ गया? जय भवानी।
राजीव बाबू तक कहूँ की मत कीजिए, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। एकदम खामोश, हर पकड़ 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 चुप हो जाओ, चुप। अभी जब घसीट के लेके जा रहे थे तभी तो गुंगी बनी घसीट रही थी ना, अब अचानक से गुंगी गुड़िया बोलने लगी, चुप। इस हवेली में बाकी सब चूहे, किसको दिक्कत है? आ छोड़ो उसका, नहीं छोड़ेंगे। और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, नहीं रहेगी इस घर में। अच्छा क्यों? क्यों जानना चाहते हो? तो सुनो, क्योंकि ये घर हमारा है और इस घर में हमारा कानून, हमारा आदेश चलता है। कानून? किस कानून का बात कर रहे हैं आप? अरे आपका कानून में तो नैतिकता का बल ही नहीं है पापा, झूठ पे टिकाए रहे आपका कानून, झूठ पे। कर्मों का दोष किसी और का नहीं, आपका है। या आप करवाए, हुए आप लाए, मुनियादान का सच आपसे बताया नहीं जा रहा। किसी को बहू, किसी को दासी, कौन घोषित किया आप? आप कानून का बात करते हैं, झूठ सता की वो कही है ना बाबा, जो आज नहीं तो कल वक्त की सतह पर तैरती जरूर है, समझे? पब्लिक में, समाज में चाहे जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, लेकिन सच तो सबके सामने आकर रहेगा पापा। गलती कुहू की नहीं, गलती आपकी है, आपकी। और मुजरिम को दोष देने का ना हक खुद मुजरिम को नहीं होता, और यहां मुजरिम कुहू नहीं, मुजरिम आप है बाबा। खबरदार जो इस लहजे में उससे बात की, शर्म है आए कि नहीं तुमको? शर्म करो, शर्म करो। एक वक्त था जब शादी के नाम पर बगावत करके बैठे हुए थे, और फिर जब संजीव ने अपनी शादी की दुहाई दी है तब तुम अपने कोप भवन से बाहर निकले। शादी तुम्हारी हमने कराई, और अब इस दो कौड़ी की लड़की के दामन के पल्लू में जाके बैठ गए। कर रहे हो तुम इसकी बात बात में कहते हो शादी नहीं सौदा है, शादी नहीं सौदा है। अगर इसे शादी नहीं सौदा मानते हो तो फिर इस रिश्ते को क्या मानते हो तुम? क्या लगती है लड़की तुम्हारी? अरे इससे पहले ये बताइए ना कि क्या लगती वो औरत तुम्हारी? इसके साथ हरी अदालत में सबके सामने नाइंसाफी की आपने, क्या लगती वो औरत हमारी जिसने श्राप तो आपको दिया लेकिन जिसका दंश हमारी माँ को निकल गया बाबा? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। क्या लगती है वो औरत हमारी जिसके श्राप का प्रकोप पूरा घर, पूरा परिवार 3 साल से भुगत रहा है, और जिसके श्राप की वजह से ना बाबा अंधेरों में भटक रहे हम? बताइए ना क्या लगती है वो श्राप देने वाली हमारी, जवाब दीजिए। नहीं है ना जवाब? आंखें सो गई है हमारी बाबा, लेकिन दिमाग, दिमाग
हाँ कभी भी जग रहा है हमारा। अच्छे से समझते हैं हम आपको, आपके खेल, आपके षड्यंत्र, आपके चौपर पाल सबको, लेकिन अपना बाबा इस घर में आपके अनैतिक कानून को चलने नहीं देंगे। गलती कुहू की नहीं, गलती इनकी है, इनकी। इनकी सोच, इनके असूल, इनके झूठ की, वो झूठ जिससे ये इन दोनों लड़कियों को मुनिया टोला से ब्याह कर लाए हैं, मुनिया दान देकर, और जिसका सच ये समाज के सामने रख नहीं पा रहे। और हाँ बाबा, एक बात ना कान खोल कर सुन लीजिए आप, समाज में आपकी छवि सुधरे ना सुधरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी नजरों में आपकी छवि को और मत गिराइए बाबा, बोल देते हैं आपको। राजीव जी ने तो बाजी पलट दी। आओ दादा, I'm proud of you। सत्य बल, सच की ताकत है ये। शाबाश बेटा, शाबाश। ये राजीव की देवता को नसीहत है या चेतावनी? चूल्हे में जाए तुम्हारा शुक्रिया, वहां गलत हो रहा था इसीलिए लाए तुमको यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। सच कहूं ना तो बहुत हो चुका भी ये ड्रामा। गलत हो रहा था वहां इसीलिए हम बीच में आए, वरना ना तुम अपनी जगह और हम अपनी। और हाँ, अभी भी तुम हमारी पत्नी नहीं हो, समझी? वैसे तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? होशियार? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, जिंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देख रहे हैं। अंशिनी, 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 उठिए जरा, हमें तुमसे बात करनी है। अंशिनी, अंशिनी उठिए, हमें तुमसे बात करनी है। होश में आओ संजीव जी, ये बाहर से फनफनाते आओगे और हम तुम्हारी दासी दकार झेल लेंगे, पहचाने नहीं हो अब तक तुम हमें। हंसनी जब चाहेगी पति आएगी, जब चाहेगी सो जाएगी, और घबराओ मत, तुम्हारी सुबह हमारी शकल देख के होती है। हमने मुंह फेर लिया ना तो रातें भी नहीं कटेंगी तुम्हारी। हाँ, जलसे में जाने का मौका नहीं मिला तो नौटंकी का रास्ता ले लिया, क्यों? नौटंकी का रास्ता? अब ज्यादा बोली ना, पर वहां जलसा में सबके सामने ड्रामा की ना तुम, बड़ी बहू बनने का स्वांग रचा है ना तुमने वहां पर, ताकि सबको ये साबित कर सको कि देखो भाई, हम भी हैं, हम बड़की बहू है और वो छोटी है कि नहीं? सब गलत, आप सब कुछ गलत समझ रहे। अरे समझे भी सही है और सुने भी सही है। वो भोपू पे जो तुम बेवकूफाना बात कर रही थी ना, बकर बकर बकर, पूरे मोहल्ले में ना गूंज रही थी तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बकर। फिर तो आप सुने ही होंगे ना, क्यों एक बार भी नहीं बोले कि हम इस घर की बहू हैं? हम तो बोले कि हम इस घर की दास। अरे लेकिन जलसा में जाने का जरूरत क्या था तुम्हारा, पहले इसका जवाब दो, और उसके ऊपर से सबके सामने सौदे के रिश्ते का ढिंढोरा पीट दिया। क्यों? हम नहीं गए थे ढिंढोरा पीटने, हम तो अपने बाबू को बचाने गए थे बेइज्जती से। वो रिश्ता तो हमारा जन्म का है ना, प्यार का है, सच्चाई का है, सौदे का नहीं।
और पूरा माहौल में अगर हमारा आवाज गूंज रहा था, किसी को हमारे बापू की चीख क्यों नहीं सुनाई थी, उनकी पुकार क्यों नहीं सुनाई थी जब वो पुकार रहे थे बेटी बचाओ बचा लो बेटी। बताइए ना, क्या हम अपने सच्चे रिश्ते से मुंह मोड़ लेते? बोलिए, हम तुमको ना सकते, हम सब बूझ गए। अरे अब क्या बूझी तुम? हम बूझ गए हैं, हमारा आपका जो संबंध है ना, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? अच्छा तो जरा हमको भी बताओ कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है। हमको ना सच्चा और असली रिश्ता समझ में आता है, इस सौदा वाला रिश्ता कैसे निभाना ना हमको नहीं समझ में आ रहा है। शादी साथ फेरा कोबर मांग में सिंदूर, अगर ये भी सौदा है तो ये रिश्ता को कैसे निभाए? हमको कुछ नहीं बूझ रहा है, आप ही बताइए हमारा और आपका क्या रिश्ता है, बताइए ना, आप ही बता दीजिए हमको। लड़की, तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है क्या? कितनी बार समझाएंगे हम तुमको, अब क्या शब्दकोश खोल के सौदे का अर्थ समझाए तुमको? तुम्हारे और हमारे बीच भावनाओं के कोई संबंध नहीं है और ना ही जज्बातों के, इसे कहते हैं सौदे का संबंध। अब बुझी तो उसे नए नाम मिलाएंगे सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।